भजन संहिता अध्याय 106 भजन संहिता अध्याय 106 यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? उसका पूरा गुणवादन कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घोड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया, और उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह किया। भूमि फटकर दातान को निकल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लव से भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति की दंडवत की। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्यकर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। उन्होंने मनभावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनको जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सन्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तित्तर बित्तर करूंगा। वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। तब पिनहास ने उठकर न्यायदंड किया, जिससे मरी थम गई, और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। और उन्होंने मरीबा के सोते के पास यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनको उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, और वे उनके लिए फंदा बन गए। वरन उन्होंने अपने बेटी बेटियों को पिसाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लोहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के कारण अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और
उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की, उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया, और जो उन्हें बंधुए करके ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बढ़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन। यह की स्तुति करो।